नमस्कार, मैं अक्षय आनंद। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज चुनाव नतीजे आने हैं और इसकी सबसे बड़ी कवरेज लाइव सीरीज आपके साथ कर रहा है। हम यूट्यूब पर लाइव हैं, हम आपको अपने वीडियोस में लगातार दिखला रहे हैं कि कहां से क्या अपडेट है। और अभी अभी हमारे सहयोगी ने अररिया के प्रत्याशी प्रदीप सिंह से बात की है। पूरी भरोसा है उन्हें जीत का, पूरे आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। और अब प्रदीप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जो लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 साल में जो विकास हुआ है और भारत का जो गौरव बढ़ा है, इस नाते राष्ट्र के हित में लोगों ने भाजपा में वोट दिया है। अररिया की जनता से आप कितनी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव एनडीए गठबंधन जीतेगा, यह लगता है मुझे संतुष्टि है। अभी यहाँ पर मीडिया वालों को हॉल की तरफ जाने से मनाही कर दी गया है, क्या लगता है इसे? वो तो निर्वाचन आयोग और प्रशासन का नियम कानून कायदे हैं, कितना क्या करना है नहीं करना उसको मैं वैसे टिप्पणी नहीं कर सकता अभी। बाकी सब कुछ ठीक है? बाकी ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, लगता है कि अच्छे दिन हमारे भी आने वाले। तो अररिया में प्रदीप सिंह के सामने सरफराज आलम है राजद की टिकट पर, अभी अभी उपचुनाव में जीते। और अब वक्त आ गया है कि ईवीएम खुल रहे हैं, एक एक कर नतीजे आ रहे हैं। अररिया से अभी के रुझान साफ नहीं है, लेकिन टक्कर कांटे की है सरफराज आलम वर्सेस प्रदीप सिंह। आगे देखना है कि ईवीएम में किसके नाम सामने आते हैं। प्रदीप सिंह दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, आपके लिए पल पल के अपडेट्स लाइव और यूट्यूब के साथ साथ वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं हम। सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर ले, आज बहुत बड़ी कवरेज लाइव सीरीज पर होने वाली है। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक लाइव सीरीज लेकर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।